खबर 12 से है, जहां दीगोद गांव में दहेज की मांग को लेकर दूल्हे ने शादी करने से इनकार कर दिया है। जहां जानकारी के मुताबिक जावर निवासी युवती की शुक्रवार को जागीर गांव निवासी मेघराज लोधा से शादी होनी थी, लेकिन फेरों के वक्त दूल्हे ने अचानक से ही स्कॉर्पियो की मांग कर दी। वहीं दुल्हन के पिता ने आर्थिक तंगी के कारण गाड़ी देने से मना कर दिया और इस पर दूल्हा नाराज होकर वापस बारात लेकर लौट गया। दुल्हन ने हरनावदा शाहजी थाने में दहेज के लोभी दूल्हे के खिलाफ ये मामला दर्ज करवा दिया है और पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है। मेरी बारात खेड़ी जागीर थाना जावर से आई थी और इसका विवाह मेघराज के साथ होना था। बारात आ गई, फेरे पड़ने वाले थे, उससे पहले ही दूल्हे ने दहेज की मांग कर दी। इसी बात को लेकर बारात लौट गई और वधु पक्ष मोना ने शादी से इनकार कर दिया। अभी कानूनी कार्रवाई के लिए थाने पर उपस्थित आए, उनसे रिपोर्ट ले ली, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी।